Hello students of standard 6th. In this video, we are going to learn our geography lesson number 10, human occupation. Human occupations, ठीक है, तो occupation क्या होता है? अलग अलग type की job, जैसे कोई shopkeeper है, कोई teacher है, कोई doctor है, कोई farmer है, कोई fisherman है, ठीक है, कोई firefighter है, कोई policeman है, कोई postman है, कोई टिकट चेकर है, ठीक है। तो ये सारी जो जॉब्स होती है उसको हमने चार कैटेगरी में डिवाइड कर दी है, ठीक है। वो कौन सी चार कैटेगरी है मैं आपको अभी बता देती हूँ, वेट अ मिनट। तो ये रहा, ठीक है, तो ये चार कैटेगरी कौन सी है दोस्तों? सो फर्स्ट है प्राइमरी, फिर है सेकेंडरी, फिर है टर्शरी और फिर है क्वार्टरनरी, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे, तो पूरी वीडियो देखिएगा, मज़ा आएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, यहाँ से वापस आ जाते हैं, यहाँ पर हम वापस आ गए, तो इसको पहले इरेज कर लेते हैं। ये वाली फिगर देखो, इसमें क्या हो रहा है, काव और बफेलो क्या कर रहे हैं, घास खा रहे हैं, ठीक है। घास खाया, फिर ये लोग घर पे गए, तो आंटी ने क्या किया, दूध निकाला, ठीक है। जैसे डॉग का फूड आता है, फिश का फूड आता है, वैसे ही ये काव का भी स्पेशल फूड आता है दोस्तों, पता है आपको? किस किस को पता है मुझे कमेंट करके बोलना। तो ये इनका जो स्पेशल फूड होता है वो खाएंगे तो उनको सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और ये दूध की क्वालिटी फिर अच्छी होती है, ठीक है दोस्तों। तो अगर किसी ने देखा है ऐसा फूड तो मुझे बोलना, ठीक है। फिर अभी आंटी ने दूध निकाल दिया, तो ये अंकल क्या करेंगे, ये डेयरी में आएंगे जहाँ पे दूध कलेक्शन सेंटर होता है, मिल्क कलेक्शन सेंटर होता है, वहाँ पे ये दूध अपना बेच के जाएंगे, तो उनको पैसे मिल जाएंगे अंकल को, ठीक है। और ये अंकल क्या कर देंगे, फिर ये टैंक में डाल के ये मिल्क को ट्रांसपोर्ट कर देंगे, कहाँ पर, इंडस्ट्री में, ठीक है। फिर ये दूध को प्रोसेस किया जाएगा, वहाँ पर क्या बनेगा, बटर, चीज़, पनीर, श्रीखंड, सब कुछ बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो उसका फिगर भी यहाँ पर दिया है, आप देख लो, देखो यहाँ पे दूध आ गया, तो अभी ये आंटी क्या कर रहे हैं, क्वालिटी चेक कर रहे हैं, उसमें से देखो क्या बना, यम यम यम, चीज़ बन गया, देखो यहाँ पे श्रीखंड बना है, ये शायद दही है, ठीक है। फिर ये बटर है, पनीर बताया नहीं पर पनीर भी बनाते हैं ये लोग। और फिर वो दूध और पनीर बटर कहाँ जाएगा, ये शॉपकीपर अंकल के पास, और उसके पास से हम लेके आ जाते हैं, ठीक है दोस्तों। किस किस को चीज़ पनीर पसंद है मुझे कमेंट करके बताओ, मुझे तो है ना पसंद है। अभी हम वापस यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है वो पढ़ लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस आफ्टर ऑब्जर्विंग द पिक्चर्स इन 10.1। हमने सारे पिक्चर्स देख लिए ए टू ई तक, ठीक है, ए टू एफ तक शायद। व्हाट आर द काउज एंड बफेलो इन पिक्चर ए डूइंग, वो लोग बातें कर रहे हैं, नहीं बातें नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं, वो लोग घास खा रहे हैं, ठीक है। फिर व्हाट इज़ बीइंग ऑब्टेंड इन पिक्चर बी, वहाँ पे आंटी क्या निकाल रहे हैं, मिल्क निकाल रहे हैं, ठीक है दोस्तों। व्हाट इज़ हैपनिंग एट द मिल्क कलेक्शन सेंटर इन पिक्चर सी, वहाँ पे मिल्क कलेक्ट किया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। फिर इन पिक्चर डी व्हाट इज़ बीइंग ट्रांसपोर्टेड, कौन क्या चीज़ ट्रांसपोर्ट हो रही है, मिल्क ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है। वेयर कुड द टैंकर बी गोइंग, कहाँ पे जा रहा है, इंडस्ट्री में जा रहा है, कंपनी में जा रहा है, फैक्ट्री में जा रहा है, वहाँ पर जाके वो प्रोसेस होगा, ठीक है दोस्तों। वहाँ पे फिर अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे। विच प्रोडक्ट्स आर सीन इन पिक्चर ई, हमने देखा था पनीर नहीं देखा था हमने, बटर देखा था, चीज़ देखा था, श्रीखंड था शायद और दही था, ठीक है। फ्रॉम वॉट हैव दिस प्रोडक्ट्स बीन मेड, हमको पता है किस में से बनाए ये सारी चीज़ें, मिल्क में से बनाए, इट्स ऑब्वियस, हम अभी पूरा मिल्क का ही पढ़ रहे हैं तो मिल्क से ही बना है दोस्तों। इसको इरेज कर लेते हैं, वापस से कचरा दूर कर लेते हैं। वॉट एल्स इज हैपनिंग इन पिक्चर ई, पिक्चर ई में वो आंटी क्या कर रहे थे, क्वालिटी चेक कर रहे थे, ठीक है, तो वो भी हो रहा था पिक्चर ई में, आप देख लेना। क्या लिखा है, आउट ऑफ द प्रोडक्ट शोन इन पिक्चर एफ विच प्रोडक्ट्स डू यू यूज़, शॉपकीपर अंकल जो बेच रहे थे उसमें से आप कौन सी प्रोडक्ट यूज़ करते हो मुझे भी बताओ कमेंट करके। मैं तो बटर यूज़ करती हूँ, मिल्क यूज़ करती हूँ, कभी कभी पनीर एंड कभी कभी चीज़। अभी और एक क्वेश्चन बच गया है दोस्तों, डू दिस प्रोडक्ट्स पैरिश क्विकली लाइक मिल्क, पैरिश मीन्स ख़राब होना, ठीक है। तो ये सारी प्रोडक्ट्स जो दही देखा, बटर देखा, फिर
चीज़ देखा या फिर श्रीखंड देखा वो मिल्क के जैसे जल्दी ख़राब हो जाते हैं? हम बोलेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि मिल्क तो अगर फ्रीज के बिना रहा तो एक दिन में ख़राब हो जाएगा, फ्रीज में रखो तो एक दो दिन तक चल जाता है, जबकि दही, बटर, फिर श्रीखंड या फिर चीज़ जो होता है वो लंबे टाइम तक अच्छा रहता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? बिकॉज इनको प्रोसेस करके बनाया जाता है, इनके अंदर थोड़े बहुत प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं, उनके अंदर प्रोसेस किया जाता है, इसीलिए ये लोग दूध से ज़्यादा चलते हैं, ठीक है, दूध से ज़्यादा चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लेंगे। ऑल द अबव पिक्चर्स आर रिलेटेड टू द रियरिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। रियरिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स मीन्स हम जो काऊ को घर में रखते हैं या बफेलो को रखते हैं उसको हम रियरिंग बोलते हैं, ठीक है, थीके? उसका पालन पोषण करते हैं, उसको खिलाते हैं, पिलाते हैं, घुमाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द रियरिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। फिर उसमें से क्या निकालते हैं? ऑब्टेनिंग मिल्क फ्रॉम देम, सेलिंग मिल्क, मिल्क बेचा था ना अंकल ने, फिर प्रोसेसिंग मिल्क एट मिल्क प्रोसेसिंग सेंटर, फिर प्रोसेस करते हैं, उसमें से हम घी, बटर, चीज़, श्रीखंड, पनीर, मिल्क पाउडर एट्सेट्रा बनाते हैं, ठीक है, फ्रॉम मिल्क सेलिंग देम इन द मार्केट एट्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें किस में से बनी? मिल्क में से बनी, और उनको फिर मार्केट में हम बेचते हैं, किसको? पनीर, चीज़, बटर, श्रीखंड को, ठीक है। दिस वर्क इज़ कैरीड आउट एट डिफरेंट लेवल। सारी चीज़ें एक ही जगह बन गई? नहीं, ठीक है, एक अंकल ने गांव में गाय को घुमाया, बफेलो को घुमाया, फिर आंटी ने दूध निकाला, फिर दूध कलेक्ट किया, फिर फैक्ट्री में गया, उसमें से ये सब बना, तो सारे लेवल्स अलग अलग है, एक जगह पे नहीं बना है, ठीक है दोस्तों। मैन अंडरटेक्स ऑल दिस एक्टिविटी टू सेटिस्फाई हीज ओन नीड्स, ठीक है। ये हम क्यों करते हैं दोस्तों? ह्यूमंस ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज हमारी नीड है, क्योंकि हमें चीज़ वाला ही पिज्ज़ा चाहिए, तो हमें चीज़ चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? दूध को प्रोसेस करना पड़ेगा, मिल्क को प्रोसेस करेंगे तभी तो हमारा चीज़ बनेगा, ठीक है। हमारी नीड्स ही ऐसी है कि हमें दूध के बिना चल सकता है, बट हमें चीज़ के बिना नहीं चल सकता, ठीक है। कौन कौन दूध नहीं पीता है और कौन कौन दूध पीता है मुझे कमेंट करके बताओ। दूध पीना बहुत अच्छा होता है, इट इज़ वेरी हेल्दी टू ड्रिंक मिल्क, ठीक है दोस्तों। तो दूध पिया करो, मुझे तो बहुत पसंद है दूध पीना, ठीक है। तो हमारी नीड्स ऐसी है कि हमें चीज़ चाहिए, हमें बटर चाहिए, इसीलिए सारी मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। डायरेक्ट मिल्क पी लोगे तो मिल्क में ही अगर आपको खुशी मिल रही है, मिल्क पी के ही अच्छा लग रहा है, तो चीज़ बटर पनीर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट हमें मिल्क अच्छा नहीं लगता है तो फिर पनीर खाओ, चीज़ खाओ, वो सारे दूध में से ही बनते हैं, ठीक है दोस्तों। वी क्लासीफाई दिस एक्टिविटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर एंड देयर प्रोडक्ट्स दे यील्ड, ठीक है। हम ये सारी एक्टिविटी को हम अभी क्लासीफाई करेंगे ऑन देयर नेचर एंड द कौन सी प्रोडक्ट वो बनाते हैं उसके ऊपर, ठीक है। नाउ लुक एट द पिक्चर्स अगेन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अभी वापस से पिक्चर देखने को बोल रहे हैं, बाप रे। तो क्या क्वेश्चन है उनके देख लेते हैं। विच ऑफ दिस एक्टिविटीज इज अंडरटेकन टू ऑब्टेंड अ प्रोडक्ट फ्रॉम नेचर। तो हम वो काऊ और बफेलो को घुमाएंगे, उसमें से वो अच्छा फूड खाएंगे, उसमें से हमें क्या मिलेगा? मिल्क मिल रहा है, ठीक है। तो नेचुरल प्रोडक्ट हमें क्या मिल रहा है? मिल्क मिल रहा है, ठीक है। विच प्रोडक्ट इज ऑब्टेंड थ्रू इट, हमें मिल्क मिल रहा है, ठीक है। हाउ लॉन्ग डज दिस प्रोडक्ट लास्ट, तो ये प्रोडक्ट कितना चलते हैं हमारे प्रोडक्ट? अगर प्रोसेस्ड है तो थोड़ा लंबा चलते हैं। इन विच पिक्चर इज़ द प्रोडक्ट ऑब्टेंड फ्रॉम द नेचर बीइंग कलेक्टेड। तो सी जो फोटो था, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये रहा, देखो यहाँ पे, एक ही मिनट, इसको इरेज कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो वाली फ़ोटो है, ये सी फोटो है, इसमें दूध कलेक्ट हो, ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, ठीक है दोस्तों। विच सर्विस डिड द मिल्क प्रोड्यूसर गेट थ्रू दिस एक्टिविटी। तो ये मिल्क निकाल के बेचने में उनको क्या मिलता है? मनी मिलता है, ठीक है दोस्तों। इज़ द मिल्क बीइंग टेकन, मिल्क को कहाँ ले जाया जा रहा है? उसको ले जाया जा रहा है उसको इंडस्ट्री में लेके जा रहा है, ठीक है दोस्तों। वॉट हैपन्स टू द मिल्क देयर आफ्टर, मिल्क का क्वालिटी चेक होगा, फिर उसमें से प्रोडक्ट बनाई जाएगी दोस्तों।
हु इंस्पेक्ट्स दिस प्रोडक्ट, तो ये प्रोडक्ट को कौन देखता है, क्वालिटी चेक वाले आदमी। वॉट डज द शॉपकीपर डू विद दिस प्रोडक्ट्स, तो शॉपकीपर क्या करेगा, खुद खाएगा? नहीं, वो उसको सेल करेगा और पैसे कमाएगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा, उसको सेल करेगा। विच ऑफ दिस प्रोडक्ट्स आर पेरिशेबल एंड विच आर नॉन पेरिशेबल, तो मिल्क है वो जल्दी पेरिश हो जाएगा, फिर दही भी जल्दी खराब हो जाएगा, बट श्रीखंड, चीज़ और बटर, श्रीखंड का मैंने सी लिखा, एस आएगा, ठीक है। तो ये सारा थोड़ा लंबा चल जाएगा, बट दही है ना, दही ख़राब हो जाएगा जल्दी। वैसे तो सारी चीज़ें पेरिशेबल है, बट अगर आप फ्रीज में रखोगे तो चीज़, श्रीखंड, बटर, पनीर थोड़ा लंबा चल जाते हैं एज़ कम्पेयर टू मिल्क एंड दही। द प्राइस एंड वेट ऑफ दिस प्रोडक्ट्स बी सेम एज दैट ऑफ मिल्क, नहीं। मिल्क हमें कितने रुपये मिल जाता है, 40 या 50 रुपये लीटर मिल जाता है, ठीक है। तो 40 या 50 रुपये का लीटर मिल जाता है, जबकि पनीर, बटर, श्रीखंड कितना महंगा मिलता है दोस्तों। तो सेम चीज़ से बने हैं, मिल्क से बने हैं जो सस्ता था, बट फिर भी ये पनीर, बटर एंड श्रीखंड, चीज़ क्यों महंगा होता है, क्योंकि इनको प्रोसेस करके बनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। इसीलिए इनके ऊपर खर्चा होता है, इनको इंडस्ट्री में बनाया जाता है। अभी ये पढ़ लेते हैं जो लास्ट लाइन है, द टीचर शुड हैव डिटेल डिस्कशन अबाउट दिस विथ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये जो सारे क्वेश्चन थे ऊपर वाले, उसका डिटेल डिस्कशन हो गया है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आप लोग वो समझ में आ गया होगा। नाउ यूज योर ब्रेन पावर, मिल्क इज अवेलेबल एट ₹40 पर लीटर, वाइल दही एट ₹60 पर केजी एंड पनीर एट ₹200 पर केजी। बोथ आर ऑब्टेन फ्रॉम मिल्क, वाई इज देयर सो मच डिफरेंस इन देयर प्राइजेस, क्यों होता है प्राइजेस का डिफरेंस, क्योंकि देखो पनीर बनाने के लिए उसको प्रोसेस करना पड़ेगा, ठीक है। एक केजी पनीर बनाने के लिए बहुत सारा दूध आपको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो वैसा पैसा लगेगा, फिर वहाँ पे जो वर्कर काम कर रहे होंगे उनका चार्जेस लगेगा आप पे, आपके ऊपर, फिर एडवर्टाइजमेंट का चार्जेस लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये सारे चार्जेस लगते हैं, और पनीर की डिमांड बहुत है, ठीक है, आपको बहुत अच्छा लगता है पनीर, तो इसीलिए जिसकी डिमांड ज़्यादा होती है उसका प्राइस ज़्यादा होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं उसकी प्राइस पे। तो अभी हम यहाँ पर चले जाते हैं, कहाँ पर यहाँ पर। वी कैरी आउट मैनी एक्टिविटीज़ टू फुलफिल आर नीड्स, हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं टू फुलफिल आर नीड्स, ठीक है। वी हैव मैनी ऑक्यूपेशंस, इंडस्ट्रीज, ट्रेड्स एट्सेट्रा, हम अलग अलग ऑक्यूपेशन करते हैं ना, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, अलग अलग लोग अलग अलग जॉब करते हैं, फिर इंडस्ट्री भी है अलग अलग, फिर ट्रेड्स भी होते हैं। ट्रेड मीन्स क्या होता है, लेना, मीन्स बाय एंड सेल, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग बोलते हैं, ठीक है। आपने कभी देखा होगा कोई शॉप पे ऐसा लिखा होता है कि चंदू भाई एंड सन्स ट्रेडिंग कंपनी, ठीक है। तो ये ट्रेडिंग कंपनी क्या करती है, बाय और सेल करती है, ठीक है। कोई प्रोडक्ट होती है, सपोज़ ये लोग आलू बेचते हैं, ठीक है, तो पटेटो होते हैं, तो पटेटो बाय करेंगे, सपोज़ 5 रुपये पे बाय किए तो ये लोग बेचेंगे 7 रुपये पे, ठीक है। तो ये बाय और सेल करने को बोलते हैं ट्रेडिंग, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने ऐसे ही हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेके आपको बताया है, तो ट्रेडिंग का मीनिंग वो होता है। सम ऑफ दिस एक्टिविटीज़ आर डायरेक्टली डिपेंड ऑन नेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने मिल्क निकाला तो वो डायरेक्टली नेचर से निकाला, हमने डायरेक्टली काव या बफेलो से निकाला है, ठीक है। जैसे फिशरमैन फिश निकालता है तो वो रिवर से, ओशन से या फिर पॉन्ड से निकालता है, तो वो भी डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है नेचर पे, कौन, फिशरमैन, फिर मिल्क। तो ये जो सारी चीज़ें होती है वो प्राइमरी ऑक्यूपेशन का पार्ट होती है, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप नेचर से डायरेक्ट पैसे कमा रहे हो तो उसको बोलते हैं प्राइमरी ऑक्यूपेशन। इट मीन्स दैट द प्रोडक्ट्स ऑब्टेंड इन दिस एक्टिविटीज़ आर ऑब्टेंड डायरेक्टली फ्रॉम नेचर, नेचर ने ही आपको मिल्क दिया, नेचर ने ही आपको फिश दिया, फिर फार्मिंग है, फिर माइनिंग है, माइनिंग में आप कोल माइनिंग ये सब करते हो ना, तो वो सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स है, ठीक है, वो डायरेक्ट नेचर से आए हैं, ठीक है दोस्तों। काउज एंड बफेलोज आर एनिमल्स, वी डोमेस्टिकेट दैम, तो काउज एंड बफेलो को हम क्या करते हैं, घर में रखते हैं, घर के आजू बाजू में उसको डोमेस्टिकेट करते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं, उसको अच्छा खिलाते हैं, ठीक है। सी पिक्चर ए, वी गेट मिल्क फ्रॉम दैम, ठीक है, हमने पिक्चर ए में देखा कि काउ में से हमें क्या मिल रहा है, मिल्क मिल रहा है, ठीक है। मिल्क तो पिक्चर बी में निकाल रहे थे, बट काउ
ए मैं खा रही थी खाना, ठीक है. देयरफॉर दिस ऑक्यूपेशन इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन नेचर. सच ऑक्यूपेशंस विच आर डिपेंडेंट ऑन नेचर आर कॉल्ड प्राइमरी ऑक्यूपेशन. मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है, जो जॉब डायरेक्टली डिपेंड करती है नेचर पे उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी ऑक्यूपेशन. जैसे फिशरमैन हो गया, मिल्कमैन हो गया, ठीक है दोस्तों. फॉर एग्जाम्पल एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग एट्सेट्रा, ठीक है दोस्तों. तो ये हो गया प्राइमरी ऑक्यूपेशन के बारे में. आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आ गया हो तो मुझे बताना कमेंट करके, ठीक है दोस्तों. सम प्रोडक्ट्स ऑब्टेंड इन प्राइमरी ऑक्यूपेशंस आर यूज डायरेक्टली वाइल अदर आर यूज आफ्टर मेकिंग सम चेंजेस इन दैम, ठीक है. जैसे मिल्क हम डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, बट अगर आपको पनीर खाना है, चीज़ खाना है, बटर खाना है, श्रीखंड खाना है, तो हम उसमें थोड़े चेंजेस करके फिर कंज्यूम करते हैं, ठीक है दोस्तों. मिल्क तो हम डायरेक्ट बॉईल करके भी खास पी सकते हैं, खा कहाँ सकते हैं, पी सकते हैं, ठीक है दोस्तों. नाउ सी पिक्चर ई. हमने पिक्चर ई देखा है, बहुत बार देखा है. इन दिस पिक्चर द मिल्क इज बीइंग प्रोसेस्ड आफ्टर ब्रिंगिंग इट टू द डेयरी, ठीक है. उसको डेयरी में ले जाके क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं. किसको, मिल्क को. बहुत बार हो चुका है ये. दैट इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम नेचर इज प्रोसेस्ड एंड मेड इन टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स, ठीक है बच्चों. दिस प्रोडक्ट्स आर ड्यूरेबल, मोर ड्यूरेबल, ठीक है. मोर ड्यूरेबल है ये प्रोडक्ट्स, पहले ही बता दिया. पनीर, चीज, बटर जल्दी खराब नहीं होता है, ठीक है दोस्तों. जबकि मिल्क जल्दी खराब हो जाता है. देयर क्वालिटी हैज एनहेंस्ड टू, ठीक है. उनकी क्वालिटी भी अच्छी हो जाती है एज कम्पेयर टू मिल्क. एंड देयर फॉर देयर प्राइजेस इज ऑल्सो हायर, ठीक है. उसीलिए उसकी प्राइस हाई हो जाती है, क्योंकि प्रोसेस हो गया, उसकी क्वालिटी अच्छी हो गई, वो जल्दी ख़राब नहीं होते हैं और टेस्ट भी बेटर हो गया है ना दोस्तों. फॉर एग्जांपल श्रीखंड, बटर, चीज़ एंड मिल्क पाउडर आर प्रोसेस्ड फ्रॉम मिल्क, ठीक है. प्रोसेस करके मिल्क में से हम क्या बनाते हैं, श्रीखंड, बटर, चीज़, मिल्क पाउडर, ये सारी चीज़ें, ठीक है दोस्तों. दिस प्रोसेसिंग इज एन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी. ये हम घर में तो नहीं करते, हाँ अभी यूट्यूब देख के थोड़ा बहुत कर लेते हैं, बट इतना तो नहीं करते. अगर 500 लोगों का खाना बनाना है तो हम घर में दही बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, वो बाहर से ही लाएंगे या फिर बाहर से ही पनीर लाएंगे. तो ये इंडस्ट्री वाली एक्टिविटी है, इंडस्ट्री में की जाती है, ठीक है. इंडस्ट्रीज आर बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल्स. अगर इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल ना जाए, जो मिल्क है वो मिल्कमैन निकाल के इंडस्ट्री को बेचे ना, तो हमारे चीज, श्रीखंड, बटर कुछ नहीं बन पाएंगे, ठीक है दोस्तों. दैट इज फ्रॉम प्राइमरी ऑक्यूपेशन, ठीक है. तो प्राइमरी ऑक्यूपेशन से हमें क्या मिला, चीज, बटर, दही, ठीक है. ऑक्यूपेशन डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी ऑक्यूपेशंस आर कॉल्ड सेकेंडरी ऑक्यूपेशंस, ठीक है. प्राइमरी ऑक्यूपेशन के ऊपर जो ऑक्यूपेशन डिपेंडेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन, ठीक है. इनको रोजगार कब मिलता है, जब ये मिल्कमैन अंकल यहाँ पे इंडस्ट्री में दूध अपना भेजेंगे, तब तब, ठीक है दोस्तों. तो सेकेंडरी ऑक्यूपेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्राइमरी ऑक्यूपेशन के ऊपर, ठीक है. तो इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं, जो वर्कर है, फिर बेकरी में काम करते हैं, फिर फिशिंग में जो काम करते हैं, ठीक है, कोल्ड स्टोरेज में काम करते हैं, वो लोग कौन से एम्प्लॉई हुए, कौन से एम्प्लॉई हुए, वो लोग सेकेंडरी ऑक्यूपेशन कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों. तो बेकरी वाले, फिर फिशिंग वाले, कोल्ड स्टोरेज वाले, ये सारे सब जो भी एम्प्लॉई है वो लोग सेकेंडरी ऑक्यूपेशन का पार्ट है, ठीक है दोस्तों. नाउ लुक एट पिक्चर सी, डी एंड एफ. यू विल सी मिल्क कलेक्शन एंड सेल ऑफ मिल्क, ठीक है. तो दोस्तों सी में क्या हो रहा है, ये अंकल मिल्क को कलेक्ट कर रहे हैं. फिर डी में क्या हो रहा है, ये अंकल टैंक को लेके कहीं जा रहे हैं. कहीं कहाँ जा रहे हैं, वो इंडस्ट्री में जा रहे हैं, ठीक है. फिर एफ में क्या हो रहा है, वो अंकल क्या कर रहे हैं, दूध को बेच रहे हैं, ठीक है. एफ में क्या हो रहा है, ये वाले अंकल दूध को बेच रहे हैं, ठीक है. तो अभी इनके जॉब का टाइप हम डिसाइड करने वाले हैं, इसीलिए हम इनकी फोटो देख रहे हैं, ठीक है. तो ये लोग जो जॉब करते हैं, ये लोग जो काम करते हैं, उनको बोलते हैं टर्शरी ऑक्यूपेशन. टर्शरी ऑक्यूपेशन कौन कर रहा है, सी में कर रहे हैं, डी में कर रहे हैं, और एफ वाले लोग टर्शरी ऑक्यूपेशन कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों. तो हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं.
सी मिल्क कलेक्शन एंड सेल ऑफ मिल्क, ट्रांसपोर्ट ऑफ मिल्क एंड सेल ऑफ मिल्क प्रोडक्ट्स रिस्पेक्टिवली. ऑल दिस एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू द प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑक्यूपेशन. ये लोग क्यों काम कर रहे हैं? क्योंकि उनके पास प्राइमरी ऑक्यूपेशन वाले लोग हैं और गए हैं, और सेकेंडरी ऑक्यूपेशन वाले लोग गए हैं, उसकी वजह से इनको काम मिला है. मैनी अ टाइम्स दिस ऑक्यूपेशन प्रोवाइड कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज टू द अदर टू ऑक्यूपेशन. टू अदर ऑक्यूपेशन कौन सी थी? प्राइमरी एंड सेकेंडरी वालों को टर्शरी वाले कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज देते हैं. जैसे वो दूध कलेक्ट करके अंकल जा रहे हैं ना टैंक में, तो वो टैंक में क्या करेंगे, फ्री में उनका दूध वो टैंकर में भर के इंडस्ट्री तक वो छोड़ के आएंगे. ठीक है, सो दैट इज द कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस प्रोवाइडेड बाय देम. ठीक है, कौन प्रोवाइड करता है? टर्शरी वाले ऑक्यूपेशन वाले. ठीक है, सच ऑक्यूपेशन आर कॉल्ड टर्शरी ऑक्यूपेशन. दिस ऑक्यूपेशन आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ऑल अदर ऑक्यूपेशन. ठीक है दोस्तों, दिस ऑक्यूपेशन आर ऑल्सो कॉल्ड सर्विस ऑक्यूपेशन. ये वाली ऑक्यूपेशन को हम क्या बोलते हैं? सर्विस ऑक्यूपेशन. ये आपको सर्विस देंगे. ठीक है, ये आपकी हेल्प करेंगे. दिस इंक्लूड ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ गुड्स एंड सेल ऑफ गुड्स एट्सेट्रा. ठीक है, ये लोडिंग एंड अनलोडिंग करना भी कॉम्प्लीमेंट्री होता है. ठीक है, फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड भी कॉम्प्लीमेंट्री होता है, बट पैसे लेते हैं यार, ऐसा नहीं कि पूरा ही कॉम्प्लीमेंट्री होता है, पैसे लेते हैं. वो बोलते हैं कि नहीं नहीं यहाँ तक आने का इतना भाड़ा लगेगा, टेम्पो का इतना भाड़ा लगेगा. ठीक है, आप अगर एक सिंपल सी चेयर लेके आते हो ना, तो वो शॉप वाले अंकल क्या करते हैं, आपने जो चेयर लिया ना उसी में ही वो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी लगा देंगे. आपको लगेगा कि फ्री ट्रांसपोर्टेशन हुआ है, बट फ्री नहीं होता है, ये लोग अपने चार्जेस लगा ही देते हैं. ठीक है दोस्तों, फ्री ट्रांसपोर्टेशन कभी कभी मिल जाता है, बट ज़्यादातर नहीं होता है, वो आपके बिल में ही काउंट हो जाता है. ठीक है दोस्तों, नाउ लुक एट द पिक्चर ई, हियर यू कैन सी अ पर्सन टेस्टिंग द प्रिपेयर्ड मिल्क प्रोडक्ट्स. ठीक है, तो ई को देख लेते हैं. यहाँ पे ये आंटी क्या कर रहे हैं, ये जो प्रोडक्ट्स बने हैं उनका टेस्टिंग कर रहे हैं. ठीक है, तो इनके पास स्पेशल स्किल्ड होती है. ठीक है, ये ऐसा नहीं कि हर कोई चेक कर सकता है, ऐसा नहीं, स्पेशल स्किल होती है जिसकी वजह से ये यहाँ पे जॉब कर सकते हैं. ठीक है दोस्तों, तो इनका सर्विस कौन सा होता है वो जान लेते हैं. दिस पर्सन इज टेस्टिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स. टू डू दिस वर्क द पर्सन मस्ट हैव सम स्पेशल स्किल्स. ये काम करने के लिए उनके पास स्पेशल स्किल्स होती है. ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सर्विस. ये भी एक तरह की जॉब है, बट दिस सर्विस इज नॉट एन ऑर्डिनरी वन. ठीक है, ये कोई ऑर्डिनरी सर्विस नहीं है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्विस है. इट रिक्वायर्स अ स्पेशल एक्सपर्टीज एंड देयरफॉर सच सर्विसेज आर कॉल्ड क्वार्टरनरी ऑक्यूपेशंस. तो ये स्पेशल एक्सपर्टीज में आती है, तो ऐसी वाली जॉब को क्या बोलते हैं? क्वार्टरनरी ऑक्यूपेशंस. ठीक है दोस्तों, तो हमने चार तरह की ऑक्यूपेशन देखी आज. मैं आपको वापस से वो चार्ट दिखा देती हूँ जो मैंने बनाया है. ये वाला चार्ट मैं वापस से आपको दिखाने वाली हूँ. तो यहाँ पे लिखा है प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी एंड क्वार्टरनरी. ठीक है, तो प्राइमरी में कौन कौन सी जॉब है? फार्मिंग है, माइनिंग है, फिशिंग है. ठीक है, फिर सेकेंडरी में क्या है? मिल्क प्रोसेसिंग, बेकरी, मैन्युफैक्चरिंग में जो लोग काम करते हैं, फूड प्रोसेसिंग में जो काम करते हैं वो लोग. ठीक है, फिर टर्शरी में आएगा नर्सिस, डॉक्टर्स, टीचर्स, एडवोकेट्स, ये सारे लोग. ठीक है, फिर क्वार्टरनरी में क्या आएंगे? साइंटिस्ट, रिसर्च जो लोग करते हैं, रिसर्चर्स, डेवलपर्स, हाई स्किल्ड वर्कर्स, तो ये सारे क्वार्टरनरी में आएंगे. ठीक है, तो आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेना. अभी हम बैक टू अवर टॉपिक आ जाते हैं. अभी यहाँ पर थे हम लोग. नॉट ऑल द सर्विसेज आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्राइमरी और सेकेंडरी ऑक्यूपेशन. तो सारी जो जॉब्स है वो डायरेक्टली प्राइमरी और सेकेंडरी से कनेक्टेड नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, ड्राइवर, नाइफ ग्राइंडर, पुलिसमैन, पोस्टमैन, ये सारी जो सर्विसेज है वो डायरेक्टली सेकेंडरी एंड प्राइमरी से कनेक्टेड नहीं है. ठीक है दोस्तों, तो अभी ये वाला कर लेते हैं. थिंक अ लिटल, हु एग्जामिन्स अस व्हेन वी फॉल इल. तो हमें कौन चेक करता है जब हम बीमार होते हैं? तो डॉक्टर अंकल या फिर डॉक्टर आंटी. हु चेक आर एग्जामिनेशंस पेपर. तो हमारे एग्जाम के पेपर कौन चेक करते हैं? टीचर्स. हु प्रिपेयर्स द डिजाइंस ऑफ बिल्डिंग, या तो आर्किटेक्ट या तो इंजीनियर. ठीक है, सिविल इंजीनियर स्पेशली. ठीक है,
सिविल इंजीनियर का सी होता है, मैंने एस लिखा है, सॉरी फॉर दिस. हु प्रोड्यूसेस मशीन्स एंड लुक आफ्टर देयर मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स. तो कौन प्रोड्यूस करता है मशीन को? इंजीनियर बनाएंगे और उसको लुक आफ्टर कौन करते हैं? जो मैकेनिक्स होते हैं, ठीक है, या फिर उनके इंजीनियर्स चेक करते हैं, ठीक है. तो ये हो गए इनके आंसर्स.